जय गुरु। आज जगत जननी श्री श्री ब्रह्मा की सही 28वां जन्म दिवस उपलक्ष्य में उनके बारे में कुछ आलोचना करते हैं। एक दिन की बात है, ब्रह्मा की माँ शरीर त्याग की पावना टाउन के अपने घर में माँ की अस्वस्थता की खबर पाकर श्री श्री ब्रह्मा पितृगृह चली गई। माँ की मृत्यु से श्री श्री ब्रह्मा बहुत शोकातुर हो गई, किंतु शोक से अस्थिर नहीं हुई। सब अवस्था में धीर स्थिर रहना ही था उनका वैशिष्ट्य। पिता माता की प्रथम संतान थी, हुए उनका दायित्व बहुत अधिक था। संसार के सब कार्यक्रम के संबंध में भतीजा को अच्छी तरह समझा दी, सबको सांत्वना दी। यह सब कार्य समाप्त होते होते संध्या हो गई। इधर ठाकुर सास की मृत्यु का संवाद पाकर रो रहे हैं, कोई भी उनकी रुलाई बंद नहीं करवा पा रहे हैं। ब्रह्मा के पास यह खबर जाते ही वो तुरंत घोड़ा गाड़ी से पितृग्रह से हिमायतपुर सत्संग आश्रम विदा हुई। लोगों के मुख से ठाकुर की ऐसी अवस्था की बात सुनकर उन्हें यही चिंता होने लगी कि वे कितने जल्दी सत्संग आश्रम पहुँचे। ठाकुर का दुख उनके लिए असहनीय हो उठा। घर पहुँचते ही वेदना निरत स्वामी को सांत्वना देती हुई बोली, किसकी बूढ़ी सास नहीं मरती है, इसलिए क्या इस तरह से पागल हुआ जाता है, चलो मेरे साथ स्नान करने। ठाकुर और कोई बात बोले बिना स्नान भोजन करने चले गए। अति मधुर था दोनों जनों का भाव, बोली वाणी चलन कर्म जैसे दोनों व्यक्ति अंगांगी भाव से जड़ित हो, एक दूसरे को बात देकर किसी के लिए भी चलना असंभव था। जय गुरु।